हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंक्रीज गार्डनिंग चैनल। आज मैं आपको पर्सलेन की कटिंग लगाना बताऊंगा। ये जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं, इनमें मेरे पास येलो और रेड दो कलर हैं अभी, तो इन्हीं की मैं कटिंग्स इसमें लगाऊंगा। बॉटल्स में मैंने बॉटल को काट के रखा हुआ है, इनको हैंग करके उसी में मैं इनकी कटिंग्स लगाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाने वाला प्लांट होता है हमारा, तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा कंटेनर ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसमें इनकी कटिंग्स लगाऊंगा। ये बॉटल मैंने काट के कलर कर ली थी, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो क्या लगा तो मैंने सोचा चलो पर्सलेन लगाते हैं। तो इसके लिए आप एक पेन की हेल्प से इसमें होल कर लेंगे, तो उसके बाद अच्छे से कटिंग लग जाएगी। तो देखिए मैंने कुछ करके रखे हैं, इसी तरह पेन से बहुत अच्छे होल हो जाते हैं। और इनकी सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड बिल्कुल रखिएगा। आप चाहें तो बजरी 50% ले सकते हैं और गार्डन सॉइल, बस इनको कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जो हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उनसे इनको मिल जाएगा। तो देखिए कटिंग्स आप ले लीजिए, फिर नीचे की जो लीव्स होती हैं उनको हटा दीजिए, और ऊपर की जो कली वली आ रही है इसको भी आप हटा सकते हैं। तो मैं इसको भी हटा दूँगा, क्योंकि कली अगर रहेगी तो पूरी बाहर उसमें जाएगी, तो अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आप इस तरह से कटिंग ले लीजिए। तो देखिए मेरे कुछ येलो हैं इसमें, कुछ रेड हैं, तो मैं इनको मिक्स और मैच करके सभी लगा दूंगा, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये प्लांट रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सभी कटिंग्स लगा लीजिए, एक बहुत आराम से चल जाता है। बस अब अगर आप नीचे की लीव्स हटा देंगे ना, तो नोड एरिया से रूट से जल्दी बनती है, तो आप इस तरह से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने तीनों पोर्शन में देखिए लगा दिया है, और अब इनका वेट करते हैं कि कितने दिनों में बड़े होते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनका रिज़ल्ट कैसा रहता है। ये देखिए हमने जो थी तीनों में लगाई हुई थी, तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। इनको जो है हम छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, आप कहीं पे भी, आपका कोई छोटा से छोटा कंटेनर, इवन आप कप में भी लगा सकते हैं जो ख़राब हो जाते हैं घर से पुराने, और पॉली बैग्स में। और मेरे पास तो इतने कटिंग से कई लोगों को दे भी चुका हूँ, और जो मेरे पास नहीं होती तो कई लोगों से ले भी आता। तो येलो मेरे पास नहीं था, तो मैंने किसी से लिया हुआ था, तो वो भी मेरे पास हो गया। तो येलो और रेड दो कलर अब हो गए। तो देखिए 15 दिनों बाद इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और इनको वाटरिंग आप स्प्रे से ही करते रहे, मैंने शुरुआत से स्प्रे से वाटरिंग की है, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो देखिए जो मैं पिंच करते रहता हूँ, जो ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाती है, इस तरह से घना हो जाता है प्लांट। तो मैंने ये देखिए पिंचिंग करते रहूँगी, तो इस तरह से प्लांट घना हो गया। और देखिए एक मेरे ये पास पॉचुला का, ये भी मुझे लगा आपसे शेयर करता हूँ। इसका शेड मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट पॉचुला का शेड है। तो इसको भी मैंने बाय किया था, इसको मैं किसी के यहाँ से लाया नहीं, नर्सरी में दिखा था, तुरंत मैंने ले लिया था, मुझे इसका कलर इतना अच्छा लगा था। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।